एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान उन भारतीयों का सम्मान है जो रूस में रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधित करें तो उस सम्मान के बारे में भी बोलें शायद जो उन्हें यहाँ रूस में मिला है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ रह रहे भारतीय हैं जो रूसी अर्थव्यवस्था को भी बल देते हैं। तो उनका जो एक तरह का योगदान है रूस की अर्थव्यवस्था में, उसको भी एक पहचान देता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि यहाँ रह रहे भारतीयों से हम बात। सर कब से हैं आप यहाँ पर? मैं 98 से। सर इतना लंबा समय आपने बिता दिया है यहाँ, भारत की याद नहीं आई? आई लव रशिया। वाह, भारत की तो याद आती है, साल में 4-5 बार भारत जाते हैं। मेरा बिजनेस चाइना में है, दुबई में है, मॉस्को में है एंड अफ्रीका में है। अच्छा, तो आपने मतलब चाइना रशिया इंडिया ट्रायंगल तैयार कर रखा है? यस, क्योंकि सब जगह ही होना चाहिए ना। अच्छा, तो आप बड़े सही व्यक्ति हैं जिससे मैं ये पूछूं कि भारत और रशिया की दोस्ती बनिस्पत चीन और रूस की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? देखो, चाइना तो बहुत आगे निकल गया हम लोगों से, क्योंकि अपना सिर्फ बोलते हैं भाई दोस्ती है, बट जो फैसिलिटीज चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का है वो प्रॉपर अभी तक नहीं हो पा रहा है, जो ईरान रूट है। तो आप भारत छोड़कर क्यों आए? आपको भारत में रहकर उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। यंग एज में निकला। सर आप कब से हैं? मैं 97 से। तो आज प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई फहरिस्त बनाई है उन्हें कहने की, या फिर उनसे कुछ सुनना चाहते हैं? उनसे सुनना चाहते हैं क्या? क्या बोलेंगे अपने इंडियन कम्युनिटी के लिए? अच्छा, डिमांड है स्कूल एक्चुअली होना चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ कई डिमांड्स हैं, कुछ कह रहे हैं बच्चों के स्कूल्स को लेकर, हिंदू मंदिर को लेकर, कई मांगे लेकर आए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहते हैं कि वो अपने पिटारे में इन रूस में रह रहे भारतीयों के लिए क्या लाएं।